तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे। एंड बहुत टाइम बाद मैं ये लॉन्ग वीडियो बना रही हूँ। मैं सोची कुछ है नहीं बनाने को, तो क्यों ना अपना रूटीन ही दिखा दिया जाए। तो मैं ये व्लॉग सैटरडे से स्टार्ट कर रही हूँ। एंड ये जो भी रूटीन है वो सैटरडे का है। सैटरडे को मैं स्कूल से आने के बाद सबसे पहले ऑयलिंग करती हूँ। ऐसा हर सैटरडे को नहीं करती हूँ, बट अभी कुछ दिनों से मेरा सिर में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो मैं अभी कर लेती हूँ। एंड मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर सैटरडे को करूँ, क्योंकि बालों में ऑयलिंग करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक तो सर दर्द वगैरह कम होता है, एंड बाल के लिए मैं बोलूँ तो बाल के लिए आजकल ऑयलिंग करना सही नहीं है। अगर आप बालों में ऑयल लगाते हो तो आजकल के ऑयल ओरिजिनल नहीं होने के वजह से आप 1 घंटे ही अपने बालों में रखो, ज़्यादा नहीं रखना है। बट मैं तो मतलब सैटरडे को लगाती हूँ, तो संडे या फिर मंडे को धुलती हूँ। एंड अब मैं फेस पैक, लगता है ये फेस पैक तो 3-4 महीने हो गए हैं मुझे यूज़ किए हुए। 3-4 महीने बाद मैं लगा रही हूँ, क्योंकि इस टाइम मेरे फेस पे काफ़ी ज़्यादा पिंपल्स वगैरह आ रहे हैं। अब शायद ये स्कूल में चौक वगैरह या फिर धूल मिट्टी से आ रहे हैं, एंड धूल से मुझे वैसे भी एलर्जी है। तो मुझे अभी काफ़ी ज़्यादा पिंपल्स वगैरह, आपको दिख भी रहा होगा कि मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स आ रहे हैं। एंड ये मेरा रूटीन मतलब ब्लॉग है, तो मैं खुद की बातें करूँगी, ज़्यादा इधर उधर मतलब टिप्स वगैरह नहीं दूँगी। मैं जो करती हूँ ना वही मैं आपको बताऊँगी। तो मैं ये फेस पैक लगा रही हूँ काफ़ी टाइम बाद, एंड आई होप कि ये वर्क करे। बट आगे आप देखिएगा कि इसका जो रिज़ल्ट है ना वो पॉजिटिव नहीं, निगेटिव आ गया। एंड मैं उसके बाद काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, तो वैसे तो मैं चाय पीती नहीं हूँ, बट पता नहीं क्या आज मन किया दूध को देखकर, तो मैं सोची चाय पी लेती हूँ। चाय पीने के बाद काफ़ी टाइम हो गया था, मतलब शाम हो गया था, तो मैं बाहर नहीं गई। मैं सोची क्यों ना मैं सिलाई कर लेती हूँ, तो मैं सिलाई कर ली थोड़ा टाइम के लिए। एंड सिलाई करने के बाद मैं सूट नहीं की थी, तो ये जो सूट कर रही हूँ संडे मॉर्निंग का सूट है। एंड ये संडे मॉर्निंग मैं ही खाना बनाई थी। एंड खाना बनाकर सच में अपने आप को बहुत अच्छा फील होता है। वैसे तो मैं बनाती नहीं हूँ, बट आज संडे को मैं मॉर्निंग में बनाई थी। एंड वो भी बनाई थी तो आधा अधूरा ही, कढ़ी मम्मी बनाई थी, तो कढ़ी चावल एंड भुंजिया आज यही था खाने में। उसके बाद मैं अपना टेबल सेट करने लगी। मिरर काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था, तो मैं उसे क्लीन करके एंड ये छोटे छोटे बल्ब मैं उसमें आज लगाई हूँ, जो कि बहुत ही प्यारा लुक दे रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा था। चलिए इसका रिज़ल्ट भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। मेकअप टेबल सेट होने के बाद मैं अपना स्टडी टेबल पे आ गई हूँ, एंड अभी मैं अपना स्टडी टेबल सेट कर रही हूँ। पता है कभी कभी आप लाइफ में इतना बिजी हो जाते हो कि खुद पे ध्यान ही नहीं देते हो, बट अब मैं अपने ऊपर ध्यान दूंगी एंड अब मैं अपना स्टडी स्टार्ट करूँगी फिर से। एंड इतना होने के बाद मैं बाहर निकल गई हूँ रेडी होकर। आज संडे था, तो मेरी एक फ्रेंड थी, काफ़ी टाइम से मुझे बोल रही थी कि कहीं घूमने चलो। एंड पता है इस टाइम स्कूल में मैं इतना ज़्यादा थक जाती हूँ ना कि मुझे संडे को कहीं जाने का मन ही नहीं करता है। ऐसा लगता है कि आज संडे, आज बस रेस्ट करना है।
बट फाइनली आज मैं सोची कि चलो कहीं बाहर घूम लेते हैं, वो इतने टाइम से बोल रही है तो उसे मिल भी लेंगे। तो मैं आ गई इस्कॉन टेम्पल एंड यहाँ पे मैं काफ़ी टाइम से आने के लिए सोच रही थी। मैं गया में रहती हूँ तो हूँ, बट यहाँ इस्कॉन टेम्पल में फ़र्स्ट टाइम आ रही हूँ। गया में रहते हुए भी मैं कभी भी यहाँ नहीं आई थी, फर्स्ट टाइम है यहाँ पे मेरा। एंड यहाँ पे आकर बहुत अच्छा फील हुआ। आप कहीं भी चले जाओ कहीं भी मंदिर में आप चले जाइए, बहुत ही शांति और बहुत ही अच्छा फील होता है। तो यहाँ पे आकर भी मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ। एंड अब मैं बोलूँगी नहीं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ का आवाज़ सुनो। ये मंदिर के अंदर का व्यू है। मैं कुछ ली हूँ, कुछ क्लिप ली हूँ एंड कुछ ज़्यादा यहाँ पे खास तो था नहीं, बट मंदिर तो मंदिर होता है ना, वहाँ पे भगवान जी हैं तो सब कुछ है। अब हम लोग यहाँ से निकल गए हैं एंड निकलने के बाद हम लोग कहाँ गए हैं ये आगे बताते हैं। पास कुछ म्यूजिक का प्रोग्राम हो रहा था, जिन लोगों को भी आता है गाने, लोकल ही थे सारे एंड वही लोग यहाँ पर आकर गाना गा रहे थे। तो हम लोगों को तो यहाँ कुछ काम नहीं था, हम लोग ऑटो से बस ऐसे ही पार हो रहे थे। फिर हम लोग नारियल पानी पिए, नारियल पानी पीने के बाद मैं घर आ गई एंड घर आने से पहले मुझे मोमोज का स्टॉल दिख गया, तो वहाँ से मैं मोमोज पैक करवा कर एंड मैं घर आ गई थी। तो घर पर आकर मैं आराम से सुकून से इसका मज़े लेकर खा रही थी। एंड आज का ब्लॉग बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट संडे को अगर मैं बना पाऊँ तो। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब।